कल रात को बड़ी मुश्किल से जगह मिल पाई थी और हमने रात दी थी इसी पेट्रोल पंप पर बिताई थी। कल रात को मेरा लाइव 8:30 बजे ख़त्म हुआ। लाइव ख़त्म कर जब मैं उस पेट्रोल पंप के पास गया तो मैंने उनको बोला कि भैया मैं ऐसे ऐसे इंडिया टूर कर रहा हूँ और मुझे रात को रुकने की। और फिलहाल तो यहाँ पे बारिश ने जो तांडव मचा रखा है एक बार फिर से दस्तक दे दी और हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। पसंद नहीं। नमस्ते भारत, मैं हूँ साइकिलिस्ट ब्रिजेश और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग साइकिलिस्ट ब्रिजेश में। कल रात को हम ठहरे थे इसी पेट्रोल पंप पे और यहाँ से अब हम सुबह निकल रहे हैं मैंगलुरु के लिए। कल रात को बड़ी मुश्किल से जगह मिल पाई थी और हमने रात दी थी इसी पेट्रोल पंप पे बिताई थी। बारिश बहुत तेज थी, पूरी रात बारिश हुई है और मेरे बैग अभी भी भीगे हुए हैं। तो अब हम यहाँ से आगे मैंगलुरु की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं हाईवे पे पेट्रोल पंप से निकल के। और कल रात की बात करूं तो करीब 10:30 बजे रात को जगह मिली और एक खूबसूरत हाईवे और काफ़ी सारी बातें बतानी हैं कल रात की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कल रात को मेरा लाइव 8:30 बजे ख़त्म हुआ। लाइव ख़त्म करने के बाद जिस ढाबे पे मैंने खाना खाया उस ढाबे वाले को भी बोला कि भैया रात को रुकने के लिए जगह दे दीजिए, बट उसने नहीं माना। करीब 1/2 घंटे तक उसके साथ बातें किया, काफ़ी सारी बातें उसको समझाई, अपना सारा जो कार्यक्रम है, मैं जो कॉज के लिए काम करता हूँ वो सभी उसको शेयर किया, पर वो नहीं माना और उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ से मैं निकला और एक पेट्रोल पंप की तरफ गया। सामने ही एक पेट्रोल पंप था, तो जब मैं उस पेट्रोल पंप के पास गया तो मैंने उनको बोला कि भैया मैं ऐसे ऐसे इंडिया टूर कर रहा हूँ और मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। अपने बारे में सारी डिटेल्स दी उनको। पहले तो मैनेजर ने मना किया, पर बाद में मैनेजर को लगा कि शायद बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और उनको थोड़ा सा लगा, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप के बारे में कुछ हो तो दीजिए। तो मैंने अपना सारा प्रूफ दिया उनको और तब उन्होंने मुझे रुकने के लिए जगह दिया। आगे की स्टोरी भी बताऊंगा। और कर्नाटक के खूबसूरत हाईवे, फिर से दस्तक दे दी और हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। बसंती को खड़ा कर दिया है और ये भाई लोगों के यहाँ पे इस शॉप पे अभी हम खड़े हुए हैं। तो सर पूछ रहे थे कि 3 साल से कैसे घूम रहे हैं, तो मैंने बताया कि मैं 3 साल से घूम रहा हूँ, सब बताया उनको अपने बारे में। तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी जर्नी कैसे कर सकता है। और बारिश से आगे निकले तो फिलहाल हम पहुंचे हैं नवयुगा उडुपी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। तो ये उडुपी के ही अंदर आता है ये भी टोल प्लाजा और हम इसको अब क्रॉस कर रहे हैं। मैं रुका था इस चाय के ढाबे पे और एक गाड़ी के बीच से हमें कोई मिल गया, ये मिल गया और ये अभी भाग के आया। चल आओ। तो मैं काम की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि कुछ खाया जाए यहाँ पे। फिलहाल ये हाईवे किंग मिल गए, भीगा हुआ है काफ़ी पर बड़े प्यार से खा रहा है, अच्छा लग रहा है उसे और थोड़ा सा सूख भी जाएगा और बड़ा क्यूट है। मुझे मिलते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है ये सब करके। कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं और इसके बाद हम
यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर कुछ आगे की बात है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाईवे पे बारिश बहुत थी और खाना खाने आना था, अभी भी बारिश कंटिन्यू जारी है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि एक बिट्टू दा ढाबा करके मुझे ये ढाबा मिला, तो मैंने सोचा कि बसंती को यहाँ खड़ी किया जाए, बसंती यहाँ लगा दी है और खाना खा लिया जाए। तो मैं इस ढाबे पे आया, ये मेरा पीछे आप देखेंगे बिट्टू दा ढाबा करके है। तो यहाँ पे खाने खाने के लिए मैं आया था, मुझे लगा कि चलिए खाना खाते हैं, पहले पेट पूजा की जाए, उसके बाद रात को रुकने का विश्राम देखा जाएगा कि जहाँ कहाँ विश्राम होगा। फिलहाल मैं इस ढाबे पे आया तो मैं आप ढाबे पे खाना खा चुका हूँ हालांकि मैं, पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती है। तो आइए मेरे साथ, बताऊँ कि शाम के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं ये बिट्टू दा ढाबा पे खाना खाने आया था। मैंने कहा खाना खा लिया जाए, तो पर मुझे सबसे अच्छी बात ये मिला यहाँ पे, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अब आप अंदाज़ लगा लीजिए ये बारिश का पानी इस कुएँ के अंदर जा रहा है पूरा। और मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक ने अपनी विरासत को बहुत सहेज के रखा है, ये जो पूरा पानी है, ये पूरा टीम से जो पानी आ रहा है, अब देखेंगे ये पूरा पानी आके ये पूरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, पर इन्होंने क्या किया, ये इसका जॉइंट इसमें दे दिया और यहाँ से ये पाइप के द्वारा छत पे जितना भी पानी आ रहा है वो सीधा कुएं में जा रहा है। तो बारिश का पानी सहेज के रखना ये कर्नाटक वालों से हमें सीखना पड़ेगा, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी तो आप ये ढाबा देखेंगे, बहुत बढ़िया ढाबा, शानदार खाना भी मैंने यहाँ पे खाया। और ये भाई यहाँ के मैनेजर हैं, क्या नाम है आपका? संदीप भाई, आपका खाना भी बैठने की जगह ढूंढना बाकी है, अब देखते हैं आज रात कहाँ बीतेगी। जहाँ भी बीतेगी आपको मैं लास्ट ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। तो आज रात को रुकने की जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, अभी मिली नहीं है, बारिश बहुत तेज है, निकल नहीं पा रहा हूँ, पर निकलने की कोशिश जरूर करूँगा। तो मिलती है जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ पर। आज रात जो बितानी है वो हमें एक टोल पे आए थे, और ये टोल मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूँ, ये टोल जिसको मैंने दिन में क्रॉस किया था उसी टोल पे वापस आना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। अब बारिश हो रही थी तो मैंने यहाँ पे टोल कर्मी थे तो उनसे पूछा कि सर मुझे रात को रुकना है, जगह मिल जाएगी क्या? तो सर का नाम, सर आपका नाम क्या है? मनोहर सर ने बेचारे ने बिल्कुल देर किए, तुरंत मुझे बोला कि आप आइए मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ रुकने के लिए। तो आज हम यहाँ पे, इनका एक बिजली घर है जो बिजली का कनेक्शन कंट्रोल रूम है पूरे टूर का, उसमें आज हम हमारी रात बीतने वाली है। और मैं कहूँगा मनोहर सर, और आपका नाम? वेणुराज। तो मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि कर्नाटक बहुत खूबसूरत है और प्यारे लोग हैं। तो ये टोल पे पहली बार हम आज 3 साल के अंदर पहली बार टोल पे सोने वाले हैं, तो आज टोल की नाइट बिताएंगे। तो थैंक यू सर का, आपका सर मनोहर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और वेणुराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो आज की नाइट हम बसंती हमने यहाँ खड़ी कर दी है, और आज की नाइट हम इसी टोल पे बिताने वाले हैं। यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इन सब के लिए, क्योंकि ये लोग हैं तो मेरे जैसी साइकिल यात्रा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके कमेंट्स में बताएं कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। नमस्ते भारत, शुभ रात्रि।